हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, गर्मी में अपने घर में सेफली रह रहे होंगे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। आज का टॉपिक है पिंपल्स। पिंपल्स कब आते हैं? जब आपके फेस पे एक्सेस ऑयल आता है, और एक्सेस ऑयल आता है मतलब आपका फेस चिपचिपा चिपचिपा सा रहता है। गर्मी है तो जाहिर सी बात है पसीना आएगा ही। तो उसके लिए आपको अच्छा खाना भी है और अच्छा लगाना भी है। अब खाना क्या है? तो बहुत सी मेरी सिस्टर, मुझसे बड़ी, मुझसे छोटी और मेरे बराबर की, मेरे जैसी होंगी। मेरे जैसी मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा चटोरी कह लीजिए, कि हमको चाट भी खानी है, फुलकी भी खानी है, जंक फूड मतलब फुल खाना। तो जंक फूड अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि जंक फूड जब खाते हैं हमारे फेस पे तो ऑयल है ही है, उसके बाद ऑयली ऑयली खाएंगे तो फिर स्किन पे तो दिखाई देगा, और सबसे कहते हैं खराब चीज़ें सबसे पहले दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हमारे फेस में ही लोग देखते हैं तो फेस में ही असर करता है। तो थोड़ा सा कम कर दीजिए जंक फूड खाना, घर का खाना, हेल्दी खाना खाइए, ऑयल फ्री खाना खाइए। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी, तो मुझे डांट भी पड़ती है, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि थोड़ा सा गर्मियों में बच के रहें। और ये तो हो गई अंदर की बात, खूब सारा पानी पीजिए। अब आते हैं बाहर की तरफ, यानी अपनी स्किन पे ऊपर से क्या हम यूज़ करें। तो मैं जो यूज़ करती हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसका रिव्यू भी समझ सकते हैं या मेरा एक्सपीरियंस भी समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने पिंपल्स ना आए और मेरी स्किन हेल्दी रहे, तो खाना पीना तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, और मैं इस फेस पैक का यूज़ करती हूँ। आपको उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे देखिए, अब उल्टा दिख रहा है, सॉरी सॉरी। तो मैं इस फेस पैक का यूज़ करती हूँ। ये है ओजोन का नीम फेस पैक। ओजोन नीम फेस पैक आप देख सकते होंगे, और इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया है, फॉर क्लियर ग्लोइंग स्किन। और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। और इसमें क्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसमें है नीम, है नीम का है तो नीम होगी ही, और एलोवेरा है, और लेमन ऑयल है। तो यानी हमारे ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, और ऑयल कंट्रोल होगा तो पिंपल्स कम होंगे, क्योंकि एक आता है ना तो उनके रिश्तेदार भी चले आते हैं, तो इस वजह से। और ये है 100 ग्राम का, और ये मुझे पड़ा था 120 रुपए का। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ आपको पता ही है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती हूँ जो मुझे फ़ायदा भी करे और थोड़ा मेरे बजट में भी हो। और हर हाउस वाइफ, हर गृहिणी, हर होम मेकर यही सोचती है कि मुझे भी ऐसी ही चीज़ें मिलें जो मेरे बजट में हो और मुझे फ़ायदा भी करें। तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, ये मुझे फ़ायदा करती है तो शायद आपको भी फ़ायदा करे। अब मैं दिखाती हूँ कि ये है कैसी। मैंने फेस पे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, अगर होगा तो मैं क्लिप डाल दूँगी ऊपर वीडियो में, अगर कोशिश करूँगी। फिर भी मैं हाथ पे आपको दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरह की है। और इसको बस सिंपली फेस वॉश करिए और इसको लगा लीजिए ऐसे, ये देखिए। और 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए, जब ये सूख जाए तब ठंडे पानी से आप फेस वॉश कर लीजिए। और ये ना थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। और वैसे सही पूछे तो गर्मियों में जो भी हम लोग फेस पैक यूज़ करते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट वाला ही होना चाहिए, क्योंकि गर्मी से ही तो हमारे पसीना आता है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट वाला ही होना चाहिए। ऑयली ऑयली वाला नहीं लगना चाहिए। ऑयली बेस्ड तो कुछ भी चीज़ आप यूज़ मत करिए, चाहे वो फेस वॉश हो या आपका सीरम हो या फाउंडेशन भी आते हैं ऑयली बेस्ड,
तो आप कुछ भी ऐसा मत यूज करिए जो ऑयली बेस हो, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग की, एक्ने की, पिंपल्स की, दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑयली फेस वालों के लिए। कभी कभी ड्राई फेस वालों के लिए भी आ जाती हैं, लेकिन ऑयली फेस वालों के लिए ज़्यादा हो आती हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बस ये देखिए, आपको थोड़ा अब ये सूखेगा तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। तो बस आप इसको ऐसे यूज़ कर सकती हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मेरे फेस पे कोई भी पिंपल्स आपको नहीं दिखाई देंगे, होते ही नहीं है। एक तो मेरे बहुत कम होते हैं, बाई चांस कभी हो गया तो मैं इसका रेगुलरली यूज़ करती हूँ। मंथ में 2 या 3 बार मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए आप कैसे हैं ये। और ये देखिए, मैंने इसको हटा दिया है और इसमें इसमें आप डिफरेंस देख सकते होंगे। ये थोड़ा सा क्लियर क्लियर सा दिख रहा है और ये अजीब सा थोड़ा भी दिख रहा है, तो ये फर्क है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा, रिव्यू कह लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन एक चीज़ में कंजूसी करते हैं, वो है सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अब मेरी YouTube फैमिली की मेरी फैमिली बनिए। YouTube फैमिली तो है ही मेरी, आप भी मेरी फैमिली बनिए और भर भर के सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बस फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।